क्षितिजल पावक गगन समीरा पांच तत्व से रचित शरीरा। वायरस संक्रमण के खतरे से बचने में मददगार है काले मिर्च, तो आइए जानते हैं इसके फायदे। काले मिर्च को औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। काले मिर्च विटामिन सी और एंटी इन्फ्लेमेंट्स के गुणों से भरपूर होती है, जो सर्दी खांसी से जुड़े लक्षणों को कम करने में मददगार साबित हुई है। काले मिर्च को खाना बनाने में और मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये खाने का स्वाद बनाने में भी काम आती है। काली मिर्च को औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। काली मिर्च को देखने में तो वैसे लगे छोटी, पर इसके फायदे बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। काली मिर्च इंडियन किचन में आसानी से मिलने वाली चीज़ है। काली मिर्च का वैज्ञानिक नाम पाइपर निग्राम है। इसका इस्तेमाल दवा के रूप में भी किया जाता है। काली मिर्च का उपयोग पूरे साल यानी हर मौसम में किया जा सकता है। काली मिर्च विटामिन सी और एंटी इन्फ्लेमेंट्स के गुणों से भरपूर होती है, जो सर्दी खांसी से जुड़े लक्षणों को कम करने में मददगार साबित हुई है। एव आपको बता दें, गले में खराश और गले में खुरखुराहट एव बंद नाक को भी ठीक करने में इसका पूरा पूरा योगदान है। सर्दियों में के मौसम में काली मिर्च का काढ़ा पीने से सर्दी खांसी छूमंतर हो जाती है एव वायरल इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। काले मिर्च का सेवन हेल्थ के लिए काफ़ी लाभदायक माना जाता है। सर्दी खांसी, सर्दी के मौसम में सर्दी खांसी होना आम बात है, लेकिन सर्दी खांसी से छुटकारा दिलाने में काली मिर्च आपकी मदद कर सकती है। काली मिर्च के पाउडर को खांसी होने पर शहद के साथ सेवन करने से इसे खांसी की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। वहीं सर्दी खांसी में काली मिर्च का काढ़ा भी काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। कब्ज़ की शिकायत होने पर काले मिर्च पाउडर को नींबू और काले नमक के साथ मिलाकर सेवन करने से गैस और पेट दर्द के लिए बहुत लाभदायक माना जाता है। ब्लड प्रेशर के रोगियों को किशमिश के साथ काले मिर्च का सेवन करना बहुत ही लाभदायक माना गया है। आँखें, काले मिर्च में विटामिन ए और विटामिन ई अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो आँखों की रोशनी के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। ये थे कुछ काली मिर्च के फायदे, तो आप भी जरूर जरूर अपनाइए। रोगों को ठीक करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।